हेलो गाइस, वेलकम टू स्कूल टॉपर। और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, मतलब एक्सरसाइज 6.2 कब फिनिश हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो मैं महसूस भी नहीं होने दूँगा कि कितनी आसानी से मैंने एक्सरसाइज पूरी करा दूँगा। ठीक है, बस एक चीज़, एक हथौड़ा याद रखो, थोर का हथौड़ा क्या है, वही इस पूरी एक्सरसाइज में वो यूज होने वाला है। थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2। क्या है थ्योरम 6.1? कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, कोई लाइन मैंने ऐसे खींची डी ई, अगर मैंने इसके पैरेलल खींची, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी के, पूरी उसमें ये लगेगा। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ दे रखी है, ये वाली चीज़, तो हम कह सकते हैं कि डी इज़ पैरेलल टू बी सी। बस ये दो चीज़ें हैं पूरी एक्सरसाइज में, ये लगने वाली हैं और एक्सरसाइज कब ख़त्म होगी महसूस भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, फिगर फर्स्ट एंड सेकंड में उसने क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले में दे रखा है कि डी, दोनों में डी इज़ पैरेलल टू बी सी दे रखा है। तो इससे ये समझ जाओ, जब डी ई पैरेलल टू बी सी है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये निकालना है। इसको मान लो x, जो चीज़ निकालनी है उसको x मान लो, क्योंकि इसमें फाइंड ई सी करना है ई सी, और इसमें फाइंड करना है ए डी, ये फाइंड करना है, इसमें इसको x मान लो। चलो क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट देखो इसका, ये लो पार्ट फर्स्ट। सिंस क्या दे रखा है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, सिंस डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, देयर फॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी क्या दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। डी बी क्या है, 3 सेंटीमीटर, और ए ई क्या है, 1 सेंटीमीटर। ई सी क्या है, एक्स निकालना है हमें। बहुत आसान है, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डेढ़ एक्स, 1.5x बराबर 3 × 1 यानी के 3, एक्स बराबर 3/1.5 इक्वल टू एक्स बराबर 2। तो जो ई सी निकल गई वो आ गई एक्स बाई 2। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पे, सेकंड वाले पे। सेकंड में ये दे रखा है, सेकंड में भी ये दे रखा है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो लिखो वही, सिंस डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, जब डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी, देयर फोर ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए डी क्या है, निकालना है, तो इसको x माना था। डी बी क्या है, 7.2 सेंटीमीटर, ए ई क्या है, 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी क्या है, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक, इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 5.4 यानी कि 5.4x इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8, x बराबर हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4। अब पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर दो, हो गया 18 का 18, 18 का 18, 18 54, x बराबर 7.2/3, 3 से डिवाइड करो, 3 × 2 = 6 -3 × 12, 2.4 सेंटीमीटर, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 इतना इजी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ने उसने क्या दिया है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर, ई एफ जो हैं पी क्यू और पी आर पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, हर केस में जो नीचे दिया हुआ है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, स्टेट वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, बताओ ई एफ जो है वो इसके पैरेलल है या नहीं। तो सीधे सीधे समझ जाओ तुम, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर प्रूव करना है तो हमें क्या देखना है कि अगर हम ये प्रूव कर दें डी ई अपॉन ई क्यू बराबर, नहीं ये पी है, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये प्रूव करना है बस हमें। अगर हमने ये प्रूव कर दिया, तो ये समझो ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो निकालो, सेकंड केस लो पहले, चलो सेकंड ही ले रहा हूँ मैं पहले, चेक
क्या चेक करो, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू चेक करो। पी ई क्या दे रखा है, 4, ई क्यू क्या दे रखा है, ई क्यू। देखो ई क्यू बोल दो या क्यू ई बोल दो, ई क्यू बराबर क्यू ई बराबर क्या दे रखा है, 4.5 दे रखा है, तो यहाँ लिखो 4.5। ठीक, अब क्या निकालो, पी एफ, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू, देखो पी एफ क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, ये लिख लो 8, और एफ आर क्या दे रखा है, यानी आर एफ, एफ आर बोल दो या आर एफ बोल दो, ठीक है, ये दे रखा है 2.4। इसे हटाओ यहाँ से, ये तो समझाने के लिए था। ये क्या हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 2 इकंदा 2.4, 4 1.2। तो इसका मतलब, अबे ये बराबर क्यों नहीं आया, 4/4.5, और पी एफ और आर एफ 8/2.4, तो इसमें तो ये 4/4.5 और 4/1.5 ये बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, देयर फोर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है भैया, क्वेश्चन देखो क्या लिख लिया तुमने, क्वेश्चन में ये चीज़ गलत लिख ली, 2.4 की जगह 9 है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है आर एफ की जगह, तो आर एफ की जगह यहाँ 9 है, इसको दोबारा निकालो, ये तो निकाल लिया, पी एफ अपॉन आर एफ निकालो, यानी कि 8/9। ठीक है, इसे काटो 2 से, 2 चौक 8, इसे काटो 2 से, 2 चौक 8 2 5 10, 4/4.5। तो देखो पी ई अपॉन ई क्यू आ गई बराबर, देयर फोर पी ई अपॉन ई क्यू बराबर किसके आ गई, पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि ये बटा ये इक्वल टू ये बटा ये, देयर फोर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ क्यू आर के पैरेलल आ गई। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, देखो इसके फर्स्ट पार्ट, पी ई निकालो, पी ई अपॉन ई क्यू निकालो, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू 3.9/3, 3 × 3 3 × 9 1.3 आई, और अब क्या निकालो, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल क्या आता है, 3.6/2.4, तो क्या आएगा, 2 × 2 = 16, 2 × 12 = 24, 2 × 9 = 18, 2 × 12 = 12, 3 × 6 = 9, 3 × 9 = 6, ये आ जाएगा 1.5, तो ये 1.3 या 1.5 इक्वल नहीं है, देयर फोर नॉट पैरेलल। ठीक है, ई एफ इज नॉट पैरेलल क्यू आर। ठीक, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, शॉर्ट मार दिया, लिख दिया आराम से एकदम, कि एफ नॉज पैरेलल टू क्यू आर। ऐसे ही थर्ड वाला देख लो, थर्ड में भी निकाल लोगे, हाँ थर्ड में भाई, थर्ड में एक चीज़ है, थर्ड में थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो, पी क्यू दे रखा है 1.2, पी क्यू पूरा दे रखा है पी क्यू, लेकिन हमें तो आधे आधे पता है, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, तो जब पूरी लेंथ ये दे रखी है, चलो यहाँ ट्रायंगल बना दूँ मैं, जिससे कि तुम्हें आसानी हो जाए, पी क्यू आर ई एफ, पी क्यू कितना दे रखा है, ये सारी 1.28 दे रखी है, और पी आर जो दे रखी है, पी आर ये दे रखी है पूरी 2.56, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और दे रखा है पी ई, ये कितनी दे रखी है, 0.18, जब ये 0.18 है और ये 1.28 पूरी, तो ये कितनी हो गई, 1.28 में से इसे घटाओ, -0.18021, तो ये हो जाएगी ये ई क्यू 1.10। ऐसे ही इधर क्या दे रखा है, पी एफ दे रखा है 0.36, ये दे रखी है, तो ये बताओ कितनी होगी, इसमें से घटा दो 2.56 में से, 2.56 इसमें से 3 घटा दो, 0 2 2, 2.20। ठीक है, अब आ गए हमारे पास सब कुछ, तो निकालो अब पी ई अपॉन ई क्यू निकालो, पी ई कितना है 0.18,
ई क्यू कितना आया 1.10, और ऐसे निकालो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना 0.36 और एफ आर कितना 2.20। इन्हें सोल्व करोगे दोनों बराबर आएंगे, सोल्व करके देख लो, हैंस इट इज़ पैरेलल, देयर फोर पी यानी कि ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू भी फिनिश। तो इस वीडियो में क्वेश्चन दो ही रखते हैं, बस आराम से देख लो दोबारा से, इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।